हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये बिगनर्स के लिए है, जो स्वेटर्स तो आसानी से बना लेते हैं लेकिन जो गला वगैरह है उसमें उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में आप अगर एडल्ट के लिए अगर स्वेटर बना रहे हैं और उसके लिए गला बनाना है तो इसके लिए गोल गला कैसे बनाना है वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और जो उसी गोल गले को फिर हम हाई नेक कैसे बनाते हैं तो वैसे भी पता चलेगा। तो आज की वीडियो में मैं गोल गला एडल्ट के लिए कैसे बनाना है वो बताऊंगी और उसके बाद हाई नेक किस तरह से बनानी है वो बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए, ये जो है स्वेटर जो है ये मैंने नॉर्मली गर्ल के लिए बनाई है, जो ये डिज़ाइन वगैरह पड़ते हैं इस तरह से। देखिए, गर्ल्स के लिए हम डालते हैं तो गर्ल्स के लिए ये स्वेटर है और ये साइज़ जो है वो एल साइज़ है। एल साइज़ का स्वेटर मैंने बनाया है और यहाँ पे देखिए, ये मैंने पूरी तैयारी कर ली है स्वेटर को बनाया। अब सिर्फ मुझे गला बनाना है इसका। तो अब देखिए, ये जो है मैंने ये जो गले की घटाई की है, बीच में जो है 9 फंदे जो है मैंने इकट्ठा बीचों बीच घटा दिए थे। और उसके बाद जो है देखिए, गले की कटिंग मैंने कैसे की है, पहले 5 फंदे घटाए हैं शुरुआत पे, फिर उसी के नेक्स्ट फ्रंट साइड की रो पे 4 फंदे, फिर उसके नेक्स्ट रो पे 3, फिर 2, फिर 1, और फिर यहाँ पे मैंने 2 बार और एक एक फंदों को चौथी सिलाई पर घटाया हुआ है। तो मैंने ये दोनों साइड जो है इस तरह से गले के लिए कटिंग की हुई है। देखिए, 5, 4, 3, 2, 1, 1 फंदे घटा लिए हैं और यहाँ पे जो है मेरे फंदे जो हैं वो बचे हुए थे दोनों साइड 28 28। तो 28 स्टिचेस आपने इस तरह से रख लेने हैं और उसके ऊपर जहाँ पे आपके 28 फंदे आ जाते हैं उसके ऊपर जो है आपने बिना घटाए बढ़ाए जो है अपनी लेंथ को पूरा करना है। उसके बाद शोल्डर्स को जॉइन कर लेना है और यहाँ पर देखिए, मैं नॉर्मली जो है पीछे वाली जो पार्ट होता है हमारा उस पर जो मैं शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद जो है फंदों को क्लोज नहीं करती हूँ, यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ और मैं अब इन्हीं फंदों की हेल्प से जो है ये गला बनाऊँगी। तो अब मेरा स्टेप जो है, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से जो है फंदे उठाने हैं और जितने फंदे मैं इस हाफ में उठाऊंगी उतने ही बराबर फंदे मुझे इस हाफ में उठाने हैं। तो अब देखिए, हमें ये फंदे जो हैं उतने उठाने हैं कि हमारे जो पूरे गले में हैं जो हैं फंदे 110 या 115 भी कर सकते हैं आप अगर थोड़ी हेल्थ अच्छी है। तो यहाँ पे मैं 110 के लगभग फंदे उठाऊंगी, अगर एक दो फंदे ऊपर नीचे हो जाते तो कोई बात नहीं। तो अब जो है मैं यहाँ से यहाँ जितने आपके पीछे वाले पोर्शन में फंदे हैं उन्हें माइनस कर लीजिए और उन्हें फिर 2 में डिवाइड करके जो है हमने फंदे जो है उतने बढ़ा लेने। तो अब देखिए, मेरे जो पीछे वाले पोर्शन हैं इस पे देखिए फंदे कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 45 और 44। तो ये 44 फंदे हैं और 44 में आप देखिए, अगर 110 फंदे मुझे उठाने हैं तो मुझे लगभग जो है अब एक 64 के आसपास यहाँ पे टोटल फंदे उठाने हैं। तो देखिए, मैं अब 64 का हाफ हम कर लेंगे 32, तो मुझे दोनों तरफ जो है आप 32 फंदे उठाने हैं, 33, 34 भी उठा सकते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल सकते हैं। तो अब 32 के लगभग जो है फंदे, लेकिन 32 से नीचे कम फंदे बिल्कुल नहीं उठाने हैं, उससे ऊपर अगर 2-4 फंदे उठा लेते हैं तो कोई बात नहीं। तो अब मैं यहाँ पे जो है 32 फंदे दोनों तरफ उठा लूँगी और ये फंदे देखिए हमने उठाने के लिए अब यहाँ से स्टार्ट करना है। ये मेरा धागा है और आप देखिए, ये जो मैंने सिलाइयाँ ली है, अब मैं इन गले वाली सिलाइयों जैसे जो अब तो सर्कुलर नीडल्स पर बनाते हैं गलों को, गोल गलों को, अब मैं यहाँ पे ये जो पहले हम ये गले की सिलाइयाँ यूज़ करते थे उसी को यूज़ करेंगे। तो देखिए, फंदे किस तरह से उठाने हैं तो ये मैं इसमें ये भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अब फंदे जो है हमने इस जॉइंट के यहाँ से उठाने शुरू करने हैं। तो अब पहले एक फंदा तो हम यहीं से उठा लेंगे
और ये जो धागा है अब हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। इसको आप अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर जॉइंट है तो आप इसके साथ अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं। और उसके बाद देखिए, अब हमने इस तरह से फंदे उठाने शुरू कर देने हैं। अगर आपके कुछ ज़्यादा ही फंदे उठ जाते हैं तो आप नेक्स्ट ही सिलाई पर उन्हें जो है बराबर बराबर दूरी पर जोड़ के बुन सकते हैं और फंदों को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने एक फंदा उठा लिया है, और देखिए बहुत दूर दूर नहीं उठाना है हमने, और इस तरह से उठाना है कि बीच में छेद ना पड़े। तो ये अब हमारे नेक्स्ट स्टिच दिखाई दे रहा है देखिए। तो अब हम यहाँ से फंदे को उठा लेंगे। इस तरह से हमने फंदों को उठाते जाना है ऐसे। तो ये जो धागा है यहाँ पे मेरा जॉइंट है, इसके साथ मैं जोड़ लूँगी और फंदों को इस तरह से पिक करती जाऊँगी ऐसे। पहली बार अगर आप बुन रहे हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है, पहले दो चार बार आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो आपके ये जो नेक बनाना है, नेक को आप नेक नीटिंग की प्रोसेस जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है नेक वगैरह बनाने के लिए। तो ये इस तरह से देखिए, अब देखिए, और ये एक बात ध्यान रखनी है, जब हम नेक के लिए इस तरह से फंदे उठाते हैं तो ये धागा जो है हमने खींच के रखना है, टाइट रखना है, ताकि बीच में होल ना पड़े। तो जैसे हमने ये फंदे उठाए हैं, अब हम इसी तरह से बाकी सारे फंदे उठा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से दोनों साइड से जो है फंदे उठा लिए हैं, और ये अब मैंने जो है दोनों तरफ जो है वो 34 उठा लिए हैं। तो अब देखिए 34 यहाँ हैं, 34 यहाँ हैं, और 44 ये हैं। तो अब टोटल नंबर जो है हमारे ये थोड़े से ज़्यादा हो गई है, 112 हो गई हैं, और 112 पर हम जो है ये अब बनाएंगे। तो अब देखिए, हम ये वाले फंदे तो हमारे ऑलरेडी सिलाई पर हैं, तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अब जो यहाँ पे देखिए हम नेक बनाना शुरू करेंगे, तो एक सीधा और एक उल्टा के ऑर्डर में ही हमने बनाना है। जैसे हमारा इस स्वेटर पर जो है बॉर्डर है, इस तरह से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब हमारे दो फंदे और बढ़ेंगे, एक यहाँ बढ़ेगा और एक जो है यहाँ कॉर्नर पर बढ़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो स्पेस है तो ये थोड़ा सा खुला हमें नज़र आता है, तो अगर हम इसी तरह से यहाँ पे ये सिलाई बुनाई जो है गले की स्टार्ट कर देंगे, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे होल क्रिएट हो सकता है दोनों तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, ये होल अवॉइड करने के लिए, होल क्रिएट ना हो यहाँ पे, तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक फंदा जो है इस तरह से यहाँ से इस तरह से उठा लेंगे ऐसे, और इसे हम बना देंगे इस तरह से। अब चलिए सीधे फंदे से हम शुरुआत करते हैं। अब ये फंदा उठा लिया है, अब हमारे 113 फंदे हो गए हैं, तो हमने एक और फंदा उठाना है दूसरी साइड से इसी तरह से, और उसके बाद जो हमारे टोटल फंदे जो हैं 114 हो जाएंगे। तो ये हम जो है अब थोड़े से ये वाली सिलाई जो है हम थोड़ी सी टाइट हाथों से कर लेंगे, एक सीधा उल्टा, तो इस तरह से जो है हम ये सारी सिलाई जो है यहाँ तक बना लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे भी आपको एक फंदा उठा के बताती हूँ। तो पहले ये सिलाई जो है पूरी बना लेती हूँ। तो ये सिलाई जो है मैंने पूरी यहाँ तक बना ली है, और ये देखिए, ये मैंने क्योंकि तीन सिलाइयाँ बनाई हैं तो ये ट्रायंगुलर शेप दे रहा है, तो ये ट्रायंगुलर नहीं, जब ये बन जाएगा तो ये गोल शेप में नेक तैयार होगा। तो अब देखिए, अब हमने क्या करना है, एक स्टिच जो है यहाँ से उठा के होल को क्रिएट होने से अवॉइड करना है। तो अब देखिए, जिस तरह से यहाँ पर उठाया है तो उस तरह से हम यहाँ पर उठा लेंगे, तो यहाँ पे भी उसी तरह से दिखा लेंगे। देखिए, अब मैं जिस तरह से उठा रही हूँ तो यहाँ से एक बीचों बीच जो है इस तरह से स्टिच उठा लेती हूँ, और फिर इसे सिलाई पर लगा लूँगी, और फिर इसे जो है अब हमारा लास्ट फंदा जो है देखिए क्या है, ये है सीधा, तो हमें ये वाला जो है अब उल्टा बुनना है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा आना चाहिए। तो अब जो है यहाँ पे ये फंदा जो है, मैं अब यहाँ पे अपना हाथ टाइट रखेंगे हम,
बिल्कुल टाइट हाथों से आप बुनाई करेंगे यहाँ पे, ये इस तरह से उल्टा बुन लेंगे यहाँ पे और खींच लेंगे धागा दूसरी ओर कर लेंगे, और खींचे हुए हाथ से ही अब आगे के दो तीन फंदे बुन लेंगे। तो धागा खींच लीजिए टाइट, होल क्रिएट नहीं होने देना यहाँ पे, एक सीधा फिर एक उल्टा, एक सीधा इस तरह से। तो अब इसके बाद जो है हमने ये सारे के सारे फंदे जो हैं वो 12 सिलाइयों तक जो हैं, 12 सिलाइयों के बाद हमारा जो है सिंपल गोल गला तैयार होता है। तो 12 सिलाइयां जो हैं हम इस तरह से गुलाई में देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जो है हमारी एक काउंट होगी, फिर इस तरह से दूसरी काउंट होगी। तो इस तरह से हम 12 सिलाइयां बना लेते हैं, फिर हम अपना नेक देखते हैं कैसा बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो है ये अगर आप काउंट करेंगे यहाँ से, तो ये अगर 12 आ जाए तो आपकी 12 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब देखिए अगर आपको सिर्फ गोल गला बनाना है, तो अब जो देखिए अगर आपने यहाँ से एक सीधा एक उल्टा के बॉर्डर बनाना शुरू किया, तो आप यहाँ पे जो है कास्ट ऑफ करना शुरू कर देंगे। और कास्ट ऑफ किस तरह से करना है ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, और एक वीडियो भी है इसके लिए मेरे चैनल पर, तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैंने आपको गोल गला जो है किसर से बनाना है, एक अडल्ट के लिए, गर्ल के लिए, एल साइज स्वेटर के लिए, तो ये इस तरह से हम गोल गला बनाएंगे। तो अब अगर हमने हाई नेक बनाना है, तो अभी हमने ये कास्ट ऑफ नहीं करना है। अब इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, अगर आपको सिंपल इतना सा गोल गला बनाना है, तो ये लगभग 1.5 इंच के तकरीबन आता है, 1.25 से 1.5 इंच जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी। आप अगर 1 इंच की लेंथ रखना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी कम रोज़ भी बना सकते हैं। तो ये गोल गला जो है ये हमारा यहाँ पर इस तरह से बनेगा। अब हमने क्योंकि यहाँ पे जो है हाई नेक भी बताना है, तो इसको ही हम जैसे ये गला यहाँ बनाते आए हैं, ये 12 सिलाइयाँ जैसे हमने बनाई हैं, वैसे ही आगे हम जो है बनाते जाएंगे इसी को, इसी पैटर्न में। और तो ये हम अब बना लेंगे जितना हमें इसका लेंथ चाहिए। तो कम से कम हम इसकी जो लेंथ है वो 4 इंच लगभग बना लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये हमारा जो है गला किस तरह से बनता है। तो अब हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो कॉलर है, अब मैंने लगभग जो है 5 इंच जो है वो बना लिया है। अगर जिस भी साइड से आप इसे मेजर करेंगे, ये लगभग आपके जो है 5 इंच जो है वो आता है। तो ये हर तरफ से जो है आप मेजर करेंगे, तो ये 5 इंच की लेंथ है यहाँ से बिल्कुल बेस पर से। तो अब देखिए, अब जिसके लिए मैं ये प्रोजेक्ट बना रही हूँ उसके हिसाब से जो है, अब गर्दन का भी हिसाब होता है, जिसका गर्दन लंबी होगी उसे आप 5 इंच और या 5.5 इंच जो है लेंथ वो इस तरह से निट कर सकते हैं। अगर किसी की कम है तो आप 4.5 इंच भी कर सकते हैं। और ये जो कॉलर है ये इस तरह से फोल्ड होगा। तो अब देखिए लास्ट, देखिए हमने क्या करना है, हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ से हमने जो ये गला बनाना, नेक बनाना शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था इस साइड से। तो अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, अब हमने फंदों को कास्ट ऑन करना शुरू कर देना है। तो अब यहाँ पे इस कॉलर के लिए हमने सिंपल तरीके से जो है अब कास्ट ऑफ कर देने हैं स्टिचेस। तो देखिए जो फंदा सीधा नज़र आ रहा है उसे हम सीधा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, और उसके नेक्स्ट वाला उल्टा बुनेंगे। तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा ही बुनते जाएंगे, और इस तरह से फिर कास्ट ऑफ करते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो है सीधा है, इसे सीधा बुन लिया और पीछे वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमने जो है इसे सारे के सारे फंदे कास्ट ऑफ करने हैं। और ये करते वक्त हमने जो हाथ है अपना लूज रखना है, ये कास्ट ऑफ जो है हमने लूज हाथों से करना है। तो इस थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ, आगे उल्टा फंदा आएगा उसे हम उल्टा बुन लेंगे,
या आपके पास अगर कोई और टेक्निक है जिसके साथ आप कंफर्टेबल रहते हैं बाइंड ऑफ करने के लिए, तो आप उस तरीके से भी फंदों को कास्ट ऑफ कर सकते हैं। अगर इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फंदों पे ये फंदों को बंद किया है, और बाकी सारे फंदे अब जितने भी बचे हैं वो मैं सारे के सारे कास्ट ऑफ कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से कास्ट ऑफ करते करते जो है हम लास्ट वाले स्टिच पर आ गए हैं, और धागा मैंने काट लिया है देखिए, और सुई में डाल लिया है। और अब इसके बीच में से देखिए हम इस तरह से काट देंगे, जो धागा होता है वो हम इस स्टिच के बीच में से पास कर देंगे ऐसे और खींच देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये गांठ जो है वो बन जाती है। और देखिए अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सफाई नहीं है, क्योंकि ये देखिए ऊपर नज़र आ रहा है ये नीचे, तो अब हम यहाँ पे सफाई देने के लिए क्या करेंगे, जो ये हमारा स्टिच है, ये वाला पहला स्टिच है, तो अब पहले स्टिच को देखिए, पहले स्टिच को हम इस तरह से इस सुई की हेल्प से ऐसे पिक कर लेंगे और इसे अब ऐसे डाल देंगे। तो ये देखिए अब बराबरी में आ जाएगा। तो अब एक और बार हमने करना है, तो एक स्टिच जो है यहाँ से और एक स्टिच जो है यहाँ से फिर से हम पिक करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे यहाँ पे, और धागे को खींच लेंगे। तो देखिए ये बराबरी में आ गया है। अब यहाँ पे देखिए हम एक गांठ लगा देंगे, हल्की सी गांठ लगानी है देखिए, इस तरह से हम घुमा लेंगे धागे को और ये इस तरह से खींच के गांठ लगा लेंगे ऐसे, तो ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। तो अब जैसे हमने इस तरह से देखिए ये फंदों को कास्ट ऑफ किया है, तो ये इस तरह से थोड़ा सा जिगजैग जो है ऊपर से दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। और देखिए जो अब ये बचा हुआ धागा है सिलाई से, इसे हम अंदर ही अंदर से पास कर देंगे इस तरह से, नीचे तक पास कर देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा पास करने के बाद हम इसे जो है कैंची की हेल्प से काट लेंगे। तो ये हम अब बिल्कुल बेस पर पहुंच गए हैं, और अब हम जो है इसे लूज कर लेंगे, सुई में से निकाल देंगे धागे को और इसे काट लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो है हमारी अब हाई नेक जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। और अब हम जब इसे पहनेंगे तो ये नेक के अराउंड इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और ये इस तरह से पहनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो देखिए बहुत अच्छी ये सिंपल सा ये पैटर्न है, और बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेथड और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे हम बहुत अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अपनी सिलाइयों और धागों की हेल्प से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।